आज अपन कंपनी के लाभ या गुण उसके दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कंपनी किस प्रकार एक कंपनी अपना काम करती है। तो कंपनी के लाभ या गुण, आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक युग में कंपनियों का अत्यधिक महत्व है। इन कंपनियों का निर्माण हो जाने से बड़े पैमाने के लाभ उत्पादन व्यापार को मिलने लगे हैं। विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिला है। देश का आर्थिक और सामाजिक उत्थान हुआ है। कंपनी पारों के प्रमुख लाभ निम्नानुसार है। पहला, कानूनी अस्तित्व, लीगल एक्सिस्टेंस। कंपनी का समामेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है, अतः कंपनी को कानूनी अस्तित्व प्राप्त हो जाता है, इसलिए अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व रखती है तथा अपने नाम से संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकती है। ये अपने सदस्यों के अन्य पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा वे सभी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। स्थायी अस्तित्व, कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है। एक कंपनी के अस्तित्व पर उसके सदस्यों की मृत्यु, दिवालियापन, पागलपन, आगमन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टीने साइमन तथा मैकगिल के अनुसार एक कॉरपोरेशन का जीवन अधिकारियों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता है तथा कुछ अधिकारी कंपनी को समाप्त नहीं कर सकते। इसके लिए या तो उन्हें घोषण के साथ शामिल होना पड़ता है या अंशों का विक्रय करना पड़ता है। स्पष्ट है, एक कंपनी की सामान्य परिस्थितियों में समाप्ति तभी संभव है जबकि सभी या अधिकांश सदस्य समाप्त करना उचित समझे, परंतु हम साझेदारी से तुलना करें तो स्पष्ट होगा कि साझेदारी संस्था का एक भी सदस्य साझेदारी समाप्त चाहता है तो साझेदारी समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, एक साझेदार के दिवालिया हो जाने, मृत्यु हो जाने, पागल हो जाने पर साझेदारी का समाप्त अंत हो जाता है। कंपनी के स्थायी अस्तित्व के कारण लंबी अवधि की योजनाएं बनना संभव होता है, ख्याति में वृद्धि होती है। कानून द्वारा अंत, टर्मिनेशन ऑफ एक्सिस्टेंस बाय लॉ। कंपनी को कोई भी सदस्य अपनी इच्छा से समाप्त नहीं कर सकता, उसी इसका अंत कानून में निर्धारित प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही होता है, अतः बाह्य पक्षकारों के साथ कपट की संभावना क्षीण हो जाती है। अधिक वित्तीय साधन, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक सीमित पूंजी वाली कंपनी का सर्वप्रथम लाभ ये है कि उसी असीमित मात्रा में वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि ये भारी मात्रा में अंशों का निर्गमन करके पूंजी एकत्रित कर सकती है। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं भी कंपनी को आसानी से ऋण प्रदान कर देते हैं। सदस्यों का दायित्व सीमित होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति सदस्य बनने में संकोच भी नहीं करता है। इसके अतिरिक्त अंशों का मूल्य कम होता है, फलत छोटी आय वाले लोगों द्वारा भी आसानी से खरीद लिए जाते हैं। ये सब परिस्थितियां इस बात की ओर संकेत करती है कि कंपनी को पर्याप्त वित्तीय साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सीमित दायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसके सदस्यों का दायित्व सीमित है। केडमैन के शब्दों में, व्यवसाय ऋणों के प्रति दायित्व को सीमित रखने का विशेषाधिकार कंपनी प्रारूप में व्यवसाय करने का एक मुख्य लाभ है। सीमित दायित्व का अभिप्राय यह है कि एक कंपनी के सदस्य का दायित्व उसके द्वारा करे गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। इससे कंपनी के सदस्यों में आर्थिक दृष्टि से निश्चितता बनी रहती है। जोखिम का विभाजन, कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, इसके साथ ही सदस्यों की संख्या पर भी कोई नियंत्रण नहीं होता है। एक कंपनी के सदस्यों की संख्या कंपनी द्वारा निर्मित अंशों की संख्या के बराबर तक हो सकती है। इस प्रकार कंपनी की जोखिम अनेक व्यक्तियों में बढ़ जाती है। पूंजीकरण के प्रोत्साहन, इंक्रीजमेंट टू कैपिटलाइजेशन। भारत की पूंजी सदैव शर्मिली रही है, परंतु जो जो कंपनियों का विकास हुआ है त्यों त्यों स्थिति बदलती जा रही है। लोग अपनी छोटी सी रकम से ही कंपनी के अंश क्रय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के अंश का संपूर्ण मूल्य भी एक साथ नहीं चुकाना पड़ता है। इससे जनता अधिक अंश क्रय कर सकती है, जो लंबे समय के बाद काफ़ी बड़े विनियोग में परिवर्तित हो जाते हैं। ऋण प्राप्त की सुविधा, इजी टू गेट लोन। स्वामित्व संकलन के अन्य पार्कों की तुलना में एक कंपनी को ऋण प्राप्त करने में अधिक सुविधा ही रहती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि कंपनी पर जनता का विश्वास जम जाता है। इसके अतिरिक्त कंपनी के वार्षिक खाते प्रतिवर्ष प्रकाशित होते हैं, इनको देखकर अनेक वित्तीय संस्थाएं भी ऋण प्रदान कर सकती है। हित अंतरण की सुविधा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स।
एक निर्धारित जब चाहे क्षमता पर कुछ वैधानिक औपचारिकता को पूरा करके अंशु का अंतरण कर सकता है। इससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये साझेदारी क्रम की तुलना में बहुत बड़ा लाभ है। जनतांत्रिक प्रबंध, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। एक सार्वजनिक कंपनी की सदस्य संख्या कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों की संख्या तक ही हो सकती है। इसी कारण एक कंपनी के सदस्य संख्या भी काफ़ी बड़ी होती है, परंतु कंपनी के सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। सभी सदस्य मिलकर अपने में से कुछ सदस्य को संचालन के पद हेतु चुनकर जनतांत्रिक पद्धति के आधार पर संचालन मंडल को प्रत्यक्ष प्रबंध का भार सौंप देते हैं और जनतांत्रिक प्रबंध के लाभ प्राप्त करते हैं। कुशल श्रमिकों एवं विशेषज्ञों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ इफिशियंट मैनेजर्स एंड स्पेशलिस्ट। कंपनी के सभी सदस्य कंपनी के प्रबंध एवं संचालन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं। कार्य संचालन एवं प्रबंध के लिए भार के व्यक्तियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। कंपनी स्थानों पर कुशल अनुभवी तथा प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की नियुक्ति कर सकती है। परिणामस्वरूप कंपनी को इससे विशिष्ट ज्ञान का लाभ मिल जाता है। भारी विकास योजनाएं, प्रमिनेंस ग्रोथ पॉसिबिलिटीज। भारी विकास योजनाएं, व्यापक वित्तीय साधनों की उपलब्धि से कंपनी अपने व्यवसाय के पैमाने का विस्तार कर सकती है। इससे कंपनी का भारी विकास संभव होता है। कंपनी आधुनिकतम यंत्रों एवं मशीनों का प्रयोग कर प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त जब जब विकास की संभावना होती है तब तब विकास कार्य पर खर्च करना कठिन नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कंपनी में आवश्यक धन का प्रबंध करना सरल होता है। आवश्यकता पड़ने पर अंश ऋण पत्र आदि जारी करके धन प्राप्त किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। कंपनी के विस्तृत वित्तीय साधन बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रेरित करते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए मशीनों, कच्चे माल आदि में अधिक धन लगाना पड़ता है जो विस्तृत वित्तीय साधन उपलब्ध करते हैं। परिणामस्वरूप कंपनी बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ प्राप्त करने लगती है और कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति भी सुदृढ़ हो जाती है। आधुनिकतम उत्पादन विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ अल्ट्रा मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक। एक कंपनी बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम होती है वह आधुनिकतम उत्पादन विधियों का प्रयोग भी आसानी से कर सकती है। इससे प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी लाई जा सकती है तथा उस वस्तु की किस्म में सुधार किया जा सकता है जिनकी आधुनिक बाजार में सर्वाधिक आवश्यकता है। अनुसंधान संभव, पॉसिबिलिटी ऑफ रिसर्च। बड़े पैमाने के उत्पादन करने पर उत्पादक अनुसंधान में धन का लगा सकता है। अनुसंधान उपभोक्ताओं तथा औद्योगिक क्षेत्र दोनों पर ही किए जा सकते हैं। उपभोक्ताओं पर अनुसंधान करके उनकी मांग, इच्छा, रुचि, पैशन आदि का पता लगाया जा सकता है तथा औद्योगिक अनुसंधान करके न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन तथा कई वस्तु के उत्पादन के बेहतर किए जा सकते हैं। अनुसंधान करके उत्पादन करने से कंपनी की प्रतिस्थिति और भी सुदृढ़ हो जाती है। दोष और सीमाएँ, कंपनी की क्या दोष है क्या सीमा, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ कंपनी। कंपनी संगठन के जहाँ एक और अनेक लाभ है वहाँ दूसरी ओर इसके कई दोष या सीमाएं भी हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, प्रवर्तकों द्वारा धोखे की संभावना, पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड बाई प्रमोटर्स। कंपनी के प्रवर्तकों का प्राय यह उद्देश्य रहता है कि कंपनी का निर्माण होते ही वे उनके प्रबंध संचालक अथवा महत्वपूर्ण पदों पर अधिकार करके कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण रखना प्राप्त करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही प्रवर्तक प्रारंभ में अपने ही व्यक्तियों को संचालक पदों पर नियुक्त करते हैं। तत्पश्चात वे अपनी स्थिति में पद के अनुरूप अनुचित प्रभाव द्वारा कंपनी के साधनों का शोषण करते हैं। कभी कभी प्रवर्तक अपने संपत्तियों तथा चलते व्यापार को कंपनी के लिए अधिक मूल्य पर क्रय कर लेते हैं और कंपनी के सदस्यों के साथ धोखा करते हैं। इतना ही नहीं, प्रवर्तक कंपनी के प्रकरण में गलत तथ्यों तथा सूचनाओं का प्रकाशन करके भी अधिकारियों रणप्रतारियों को के साथ धोखा करते हैं। निर्माण में औपचारिकताएं, डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। अन्य कई प्रकार के स्वामित्व संगठनों की अपेक्षा कंपनी संगठन में बहुत अधिक वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। इससे कंपनी के निर्माण में कठिनाइयां तो होती है किंतु इसके साथ समय धन भी खर्च होता है। केंद्रीय संचालन प्रबंध सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप कंपनी के संचालन एवं प्रबंध का कार्य कुछ इन्हें गिने व्यक्तियों के हाथों में रहता है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों द्वारा चुने गए व्यक्ति भी प्राय व्यापारिक अनुभवहीन होते हैं। इनमें विशेष ज्ञान का भी अभाव भी पाया जाता है। प्राय विभिन्न प्रकार के सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति ही संचालन मंडल के सदस्य होते हैं। ये सभी चुने हुए व्यक्ति अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं जिसका परिणाम अधिकारियों को ही भोगना पड़ता है। अधिकारियों का शोषण,
एक्सप्लोटेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, क्योंकि कंपनी के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग नहीं ले सकते हैं, अतः कुछ चुने हुए सदस्य ही कंपनी का प्रबंध संचालन करते हैं। ये चुने हुए सदस्य ही कंपनी के हितधारकों का शोषण करते हैं। कंपनी में इनकी मनमानी नीतियां चलती हैं, इनके द्वारा मनमान ढंग से लाभांश आदि का वितरण किया जाता है। अनुत्तरदायी प्रबंध, इररिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, एकांग व्यापार तथा संयंत्रों की भांति कंपनी के संचालक व्यवसाय के कार्य में रुचि न लेकर कंपनी के संपूर्ण प्रबंध व्यवस्था को वेतनभोगी प्रबंध को एक कर्मचारी पर छोड़ देते हैं। कई महत्वपूर्ण मामलों पर भी ये कंपनी के हित में नहीं सोच पाते हैं। इसके अंदर यदि कंपनी को कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो काफी समय व्यर्थ देखवा देते हैं, तो कई व्यवसाय सुविधा लाभ नहीं उठा पाते हैं। अनुसूमित सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन इन शेयर्स, साधारणतः कंपनी अंतरिमों में व्यवस्था कर दी जाती है कि कंपनी के अंशों का सवर्ण पूर्वक हस्तांतरण किया जा सकेगा। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप बाजार में अंशों के सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है। कंपनी के अंशों का मूल्य उन पर दिए गए लाभांश की दर से भी प्रभावित होता है। अतः जब कभी संचालक चाहे लाभांश की दर को कम अथवा अधिक, कंपनी के अंशों के मूल्यों को भी कम अथवा अधिक कर सकते हैं। इससे सट्टेबाजी को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। सीमित कार्य क्षेत्र, लिमिटेड स्कोप ऑफ ऑपरेशन, एक कंपनी का कार्य क्षेत्र कंपनी पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य द्वारा निर्धारित होता है। ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, उसके अनुसार निर्धारित होता है। इस वाक्य में वर्णित उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही कंपनी व्यवसाय पालन करती है। वह अन्य किसी प्रकार व्यवसाय नहीं कर सकती। यदि इस वाक्य के कुछ वैधानिक नियमों का पालन करने पर परिवर्तन संभव है, परंतु सामान्य दशाओं के कार्य क्षेत्र उद्देश्य वाक्य द्वारा सीमित होता है। गोपनीयता का अभाव, लैक ऑफ सीक्रेसी, एकाग्र व्यापार तथा साझेदारी में पर्याप्त गोपनीयता रखी जा सकती है, किंतु कंपनी में गोपनीयता बनाए रखना असंभव होता है। इसके कई कारण हैं। प्रथम, प्रत्येक कंपनी को अपने वार्षिक खाते प्रतिवर्ष प्रकाशित करने होते हैं। द्वितीय, कंपनी के प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रलेख की एक प्रति कंपनी पंजीयन के कार्यालय में फाइल करनी पड़ती है, जिनका कोई भी व्यक्ति निर्देश देकर निरीक्षण कर सकता है। तृतीय, कंपनी की वार्षिक सारा सभा में कंपनी के महत्वपूर्ण मामलों विचार होता है और महत्वपूर्ण मामले सारू रूप से प्रकट हो जाते हैं। विभिन्न हितों में संघर्ष, कंफ्लिक्ट इन डिफरेंट इंटरेस्ट, कंपनी के संचालन में मुख्य रूप से तीन वर्ग का योगदान होता है, वे अंशधारी, श्रमिक तथा जनता। इन तीनों वर्गों में का हर हित अलग होता है। श्रमिक अंशधारी अपने नियोजित पूंजी में अधिकारी लाभ चाहते हैं, श्रमिक अधिकारी पारिश्रमिक तथा कल्याण कार्य आशा करते हैं, तथा जनता न्यूनतम लागत पर अच्छी वस्तुएं चाहती है। इन तीनों वर्गों में सदैव समस्या बनाए रखना कठिन होता है, परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं संघर्ष होता है। एकाधिकार का भय, डेंजर ऑफ मोनोपोली, एक ही प्रकार की वस्तु निर्माण करने वाली कंपनी आपस में प्रतिस्पर्धा कर को समाप्त करने के लिए सहयोगों, ट्रस्ट, पोर्टल आदि के रूप से ऐसी संयोजन स्थापना कर लेती है। इससे वस्तु पर एकाधिकार प्राप्त हो जाता है तथा उपभोक्ताओं का शोषण होता है। कुछ लोगों के हाथों में भी सारा लाभ आ जाता है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। वैधानिक हस्तक्षेप, लीगल इंटरफेरेंस, भारत का कंपनी विधान ही समग्र सबसे बड़ा विधान है, जिसमें विभिन्न प्रकार के नियमों और उपनियमों की व्यवस्था है। एक कंपनी को इन सभी नियमों और उपनियमों का पालन करना होता है। इससे एक कंपनी का अधिकांश समय धन उन नियमों के पालन में ही समाप्त हो जाता है। कई कंपनियों में तो इस प्रकार के कार्यों के लिए अलग से ही विभाग का निर्माण किया जाता है। बड़े पैमाने के उत्पादन की बुराइयां, इवेंट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े पैमाने के उत्पादन से जहाँ एवं कई लाभ होते हैं, वहीं दूसरी ओर कई हानियाँ भी है। अर्थशास्त्र नियम के अनुसार किसी सीमा से अधिक उत्पादन करने पर क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है, परिणाम स्वरूप उत्पत्ति की मात्रा घटती जाती है और लागत प्रतिकाई बढ़ती जाती है। सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जब जब सरकार उचित समझती है तब तब नियमों तथा व्यवसायिक नीतियों में परिवर्तन करती रहती है। इसका कंपनी के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार अपनी आज कंपनी अधिनियम के लाभ, इसके गुण के बारे में अध्ययन किया है, साथ में कंपनी के क्या दोष हो सकते हैं, क्या सीमा है, इनका भी अध्ययन किया है। इस प्रकार अपने आज कंपनी के लाभ, गुण और दोष, सीमाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। धन्यवाद।